नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को दोनों पर्वों की बधाई दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु नानक जी के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म संस्थापक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त एवं विश्व बंधु के गुण मिलते हैं। उन्होंने शांति, दया एवं मानवता का पवित्र संदेश देने के लिए चारों दिशाओं में बड़े पैमाने पर यात्राएं की थी। गुरु नानक देव जी कहा करते थे कि किसी भी तरह से लोभ को त्याग कर अपने हाथों से मेहनत कर और न्यायोचित तरीके से धन अर्जित करना चाहिए। गुरु नानक देव जी के समग्र एवं समरस समाज बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बिहारवासियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। दरोगा बहाली परीक्षा में शामिल हुए 94% अभ्यर्थी, बीते दिन आयोजित करवाए गए दरोगा बहाली परीक्षा में 94% छात्रों ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाई है। दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2446 पदों के लिए बिहार के 12 जिलों में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। गया के एक केंद्र से फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया, जिसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया था। आपको बता दें, प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 50,072 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। मुख्य लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर था, जिसके लिए नालंदा, गया, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर और बेगूसराय में कुल 102 केंद्र बनाए गए थे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई थानेदारों को किया गया निलंबित। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सूबे के 4 थानेदारों पर सरकार ने गाज गिराई है, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें 10 साल तक थानेदारी भी नहीं दी जाएगी। निलंबित थानाध्यक्षों में पटना के कंकड़बाग थाना अध्यक्ष, वैशाली के गंगा ब्रिज थाना अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के अहियापुर और मीनापुर थाना अध्यक्ष शामिल है। कार्रवाई सीधे पुलिस मुख्यालय से हुई है। जिन थानेदारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसमें अजय कुमार इंस्पेक्टर कंकड़बाग पटना, दिनेश कुमार इंस्पेक्टर अहियापुर मुजफ्फरपुर, अविनाश चंद्र इंस्पेक्टर मीनापुर मुजफ्फरपुर, पंकज कुमार संतोष सब इंस्पेक्टर गंगा ब्रिज थाना वैशाली का नाम शामिल है। बीते 2 दिनों से बर्फीली हवा के कारण बिहार के कई जिलों का लुढ़का पारा। पर्वतीय क्षेत्रों में आ रहे बर्फीली हवा की वजह से पटना सहित सूबे के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद शनिवार और रविवार को भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया सहित अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आया। राज्य भर में गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 2 दिनों में पटना का न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक नीचे आया है, जिससे शाम ढलते ही ठंड महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटे में पटना का न्यूनतम पारा लगभग 1.5 डिग्री नीचे आया है और 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार सिन्हा के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ सकती है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। अनुकूल सुधारक रॉय का जन्म 30 नवंबर 1998 को बिहार में हुआ था। अनुकूल एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। दिसंबर 2017 में उन्हें 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। वो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनका जन्म बिहार राज्य के रोसेरा के पास एक गांव भीरा में हुआ था। उन्हें समस्तीपुर का रविंद्र जडेजा उपनाम दिया गया है। उन्होंने 2017-18 की विजय हजार ट्रॉफी में 8 फरवरी 2018 को झारखंड के लिए अपनी सूची एक की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018-19 में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भाजपा छोड़ने वालों को लेकर कही अहम बात। स्वर्गीय डॉक्टर सूरज नंदन कुशवाहा के 63वें जयंती समारोह में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भाजपा सरकार और सरकार में शामिल लोगों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वन वे ट्रैफिक की तरह है। यहां आप आ सकते हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकते। जो लोग भाजपा छोड़ते हैं, वे कभी शांति से नहीं रहते। सुशील मोदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, लेकिन राज्य की मौजूदा भाजपा जदयू सरकार में मेरी आत्मा बसती है। मैं यह ऐलान करना चाहता हूं कि इस सरकार को कोई डिगा नहीं सकता, कोई मध्यावधि चुनाव नहीं होगा, सरकार 5 साल चलेगी। जदयू ने चार्जशीटेड तेजस्वी को चुप रहने की दी नसीहत। बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों पर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू ने अब तेजस्वी यादव को इन मुद्दों पर चुप रहने की नसीहत दी है, जिसके तहत प्रदेश जदयू मुख्य
प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर वाकई अप्रिय वाक्यों को लेकर गंभीर हैं तो सबसे पहले वो अपने परिवार के शासनकाल में हुई घटनाओं पर श्वेत पत्र जारी करे, उसके बाद ही इन मुद्दों पर इनका ज्ञान स्वीकार्य होगा। वैसे भी आपको अप्रिय वाक्यों पर बोलने का हक नहीं है क्योंकि आप चार्जशीटेड है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अप्रिय वाक्यों के एक्सपर्ट बनने से पहले तेजस्वी केवल इतनी जानकारी साझा कर दीजिए कि आपके परिवार के शासनकाल में बिहार में जिन हजारों लोगों के साथ क्या हुआ था, जवाब देने के लिए अपने माता पिता की मदद भी आप ले सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना से निडर दिखी जनता। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कोरोना का खौफ कम देखने को मिला। राजधानी पटना के गंगा घाट पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि संक्रमण से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से परहेज करें, मगर गंगा स्नान करने वालों की भीड़ देखने लायक रही। खबरों की माने तो पटना के गंगा घाटों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पटना में ऐसा कोई भी गंगा घाट नहीं दिखा जहां लोगों की भीड़ नहीं दिखी। अशोक राजपथ से गंगा घाटों तक पहुंचने के लिए वाहनों का परिचालन बंद रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके लोग गंगा घाट तक पहुंचे और स्नान करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने कोरोना के माहौल में एनसीसी का बताया अहम योगदान। कोरोना के माहौल में लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी छात्रों ने एक बार फिर से जागरूकता मुहिम चलाई थी, जिसको लेकर ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के नागरिकों को संविधान ने जो अधिकार दिया है उन सारे अधिकारों को एनसीसी ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अधिकार से देश के लोग काफी परिचित है। आजादी के बाद भी अब तक अधिकार कुछ लोगों तक पहुंच पाया है। इन सबों तक पहुंचना और देशवासियों के मन में कर्तव्य बोध कराना है। हमारा अधिकार तभी सुरक्षित होगा जब हम अधिकार के लिए काम करेंगे। हमारा संविधान पथ दर्शक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीसी ने अपना योगदान घरों, सड़कों, गांव, अस्पतालों और जन जागृति में दिया है। दीघा एम्स एलिवेटेड रोड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दीघा एम्स एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया है। इसके मद्देनजर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और डीएम कुमार रवि ने बीते दिन ही निर्माण कार्य का जायजा लिया था। फुलवारी शरीफ में सड़क के उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित है, इसलिए अधिकारियों की टीम ने वहां पार्किंग स्थल को देखा। साथ ही एलिवेटेड सड़क पर रंग रोगन का काम अंतिम चरण में था, उसे भी पूरा कर लिया गया है। तेज प्रताप की तरफ से पिता के साथ शेयर किए गए फोटो पर लोगों ने लिए मजे। बिहार चुनाव में सियासी घमासान जारी है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर साझा की है। शेयर किए गए तस्वीर में लालू यादव के भाषण का वीडियो है, जिसको शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने एक मशहूर शायर बसीर बद्र का शेर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन से मैं चला हूं मेरी नजर मंजिल पर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, जिस पर कुछ लोगों ने मजे लेते हुए उन्हें अगला मुख्यमंत्री बता दिया है तो कुछ लोगों ने उन्हें शायर कहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने शुरू की एक अनोखी पहल। कोरोना के माहौल में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पटना जिले के बिहटा प्रखंड के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने अपने वाहन से जागरूकता मुहिम चलाई। वहीं शुरुआत बिहटा चौक से करते हुए पूरे प्रखंड के अलग अलग जगहों पर खुद से माइक के जरिए जागरूक करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि शादी विवाह या अन्य कोई आयोजन में कम से कम लोग शामिल हो और कोरोना से बचकर रहे। सूर्य कुमार यादव को विराट कोहली के लिए ट्वीट करना पड़ा महंगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 मैच की सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 22,000 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार कर लिया। विराट ने 89 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इस पारी के दौरान उन्होंने सबसे तेज 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। विराट के इस खास रिकॉर्ड पर उन्हें सूर्य कुमार यादव ने भी ट्विटर के जरिए बधाई दी, लेकिन फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने विराट को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, 22,000 इंटरनेशनल रन विराट कोहली, जिसके बाद ट्रोलर्स ने लिखा है कि शायद सूर्य कुमार यादव समझ गए हैं कि क्या करने से उन्हें टीम में जगह मिलेगी। अगर विराट की तारीफ ही करनी थी तो उन्होंने मैदान में उन्हें आंखें क्यों दिखाई। हम समझ गए हैं कि आप टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा हुई सोशल मीडिया पर ट्रोल। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई हैं। दरअसल उन्होंने अपनी एक मिरर सेल्फी शेयर की थी, जिस पर एक यूजर ने उनके फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा कि क्या आपने अपने चेहरे का कुछ करवाया है, क्या कुछ अलग लग रहा है। जिसके जवाब में कृष्णा श्रॉफ ने उस यूजर को जवाब देते हुए लिखा कि दोस्त हर कोई सोच रहा है कि मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए कुछ करवाया है, ये मेकअप है, इसे होठ पर ओवरलाइनिंग कहते हैं। आप लोग ऐसी औरतों के साथ रहते हो जो रात को कुछ और सुबह उठने के बाद कुछ और दिखाई देती है, जिनका स्क्रीनशॉट कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया था। हालांकि ट्रोलर ने इसके बावजूद अपना जवाब दिया और कहा, वाह बहुत ही बढ़िया है।
देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 94 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 38,772 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 94,31,992 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 443 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,37,139 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 88,47,600 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 4,46,952 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट लोजपा के पास ही रहनी चाहिए या भाजपा को मिलनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।